तो मतलब डंडा में पहले तेल लगाने का, बहुत कायदा से कड़वा तेल लगाने का, और दो बार धपा धा मारने का, और बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द होने का। बिना तेल के ही डंडा मारते हैं। खोल के देगा आपको, नया बैग देगा? नहीं, मैं खुद ले लूं। ए प्रभु, ये मान लेगा ना? जल्दी बैग खोल लेगा? नहीं भगवान, नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हेलो, हाँ माँ, हाँ पार में पहुंच गया माँ। हाँ लुंगी वही छूट गया। हाँ 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 कमरा में छुटा। यहाँ बहुरिया होने का, क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ क्यों बैठ रहे हैं अब? ओ मामा, अम्मा बिल्कुल सुंदर होने का एकदम, चकाचक पाउडर पोता हुआ। हाँ 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 बिल्कुल सुंदर कन्या। हाँ फोन रखने का। हाँ अभी आता। किससे बात कर रहे हैं? अपनी अम्मा से बोलने का, मतलब हम थोड़ा मतलब माई नेम इज लव मेरा दिल है बहुत बड़ा। पागल है क्या आप? दिमाग सही है? मैं तुम्हारे प्यार में पागल होने का, मतलब इतना सुंदर ब्यूटी आज तक नहीं देखा। कोई ले जाओ इसको। हमारा अड़ोस पड़ोस में भी इतना गोरा पाउडर वाला कोई लड़की आज तक मैंने देखा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप और यहाँ पे क्यों बैठ गया? मैं मतलब ये जनेश्वर, मैं लखनऊ में सुना कि मतलब लौंडा लोग, मतलब हम मतलब साउथ का ट्रेडिशन आदमी, तो मतलब लुंगी पहन के जाता तो लड़की मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं और भगा देता। तो यहाँ पे क्या करने आए आप, कहीं और? तो मेरी बात तो पूरा सुनने का, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब हमें लुंगी छोड़ के आप बरमूडा में फैशन डिजाइनर बन गया, तो मतलब थोड़ा लौंडा लोग मतलब पसंद करता है, तो मतलब काला लौंडा भी मतलब हीरो लगता। यो मैन, आप पागल है? मैं तुम्हारा प्यार में पागल। प्यार में क्यों पागल है, कहीं और जाके बैठिए। एक बात बोलने का, तुमको जब पराठा खाने का मन होता है तो पराठा खाता ना, रोटी तो खाता नहीं ना, तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सुंदर कन्या स्लिम फिट बॉडी बिल्कुल बहुत पसंद। ना मुझे रोटी खानी है ना मुझे पराठा खाना है। तो मैं इडली सांभर खिलाएगा तुमको, एकदम से इंप्रेस कर ले जाएगा। क्या लड़की हो यार, एकदम से मजा आने का। खानी है मुझे इडली और सांभर, प्लीज जाइए। तुमको हमको देख के मतलब क्या दिल में बिल्कुल सद्भावना नहीं आता क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है इतना, मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा, मेरा दिल में प्यार है सबके लिए, और लेडीज आर माई मतलब कुछ भी नहीं, मतलब लेडीज को कुछ नहीं बोलता मैं। आप प्लीज जाइए और कहीं और बैठ। मैं पूरे पार्क में जाइए नहीं कर सकता ना, मेरे को मतलब जहाँ पसंद आने का। मैं यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको नहीं जानते ना मुझे, आप जानते। देखो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो हमारे अंदर मतलब जादू टोना पावर आने का, तो मतलब लड़की लोग जो होता ना, मतलब सुंदर कन्या, मतलब उनका पाउडर का जो स्मेल बहुत तेज मारने का। Oh, no. तो मैं अपने घर का बाथरूम में बैठा हुआ था, वहाँ से मतलब स्मेल बहुत तेज मारने का। ले जाओ इसको, ये लड़का पागल हो गया है। यहाँ कौन आने का, मतलब यहाँ कोई लोग नहीं है। ओ भाई साहब, वो टकला मुंडा कोई है क्या? आ जाओ टनाटन। ओ साहब भाई, इसको ले जाओ, ये पागल है, क्यों कर रहे हो? देखो सबको भाई बोलने का, हमें भाई नहीं बोलने का, मतलब हमारा थोड़ा रिलेशन अलग वाला हिसाब बनेगा, थोड़ा मतलब घर ले जाने का, गर्लफ्रेंड बनाने का। ऐसे क्या बोलने का? भाई बोलूंगी। भाई बोलने गलती मत करने का, नहीं तो मैं बहुत खूंखार बनने का। हाँ ठीक है, बनिया। मैं खूंखार बनने का तो मैं खोपड़ी फोड़ देता। मैं भाई बोल, मैं मतलब बहुत रिस्की। हाँ ठीक है, मैं पिएगा छोटा सा विस्की और बहुत मारेगा फिस्की। पुलिस को बुलाऊं कि आप जाने बाहर? पुलिस वाला भी मेरे पास रहता, मेरे घर के बाहर पुलिस वाला चार चाचा। इसको क्यों यादव जी, मेरा पुलिस वाला फ्रेंड, बिल्कुल बहुत खतरनाक फ्रेंड। यहाँ के पुलिस वाले बहुत मारते हैं, पता है ना आपको? हमारा साउथ भी बहुत मारता है, मतलब हम दो बार डंडा खाया। हाँ, दो बार इतना तेज थे। मेरी बात तो सुनिए मतलब पहले मेरा रिलेशन थोड़ा खराब पुलिस वालों से, मतलब होने का क्या, मतलब पुलिस के पास गया तो मतलब डंडा में पहले तेल लगाने का, बहुत कायदा से कड़वा तेल लगाने का, और दो बार धपा धा मारने का, और बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द होने का। बिना तेल के ही डंडा मारते हैं? बिना तेल के मैं तो बांस का फांस लग जाने का, ऐसे तो पेनफुल, वेरी पेनफुल, डेंजरस। डंडा इज वेरी डेंजरस। कहीं और बैठिए जाके प्लीज, मेरे को दिमाग मत खराब कर। मैं दिमाग नहीं खराब करने का, मैं मतलब पहली बात तो आप बिना पूछे मेरे पास बैठ गए, ऊपर से आप इतनी सारी बकवास, मतलब नेचर को इंटरेस्टेड, मतलब आपकी खूबसूरती देख के मतलब इतना अंदर से मेरा मतलब रावण जागने का कि मतलब खूबसूरत लड़की देख के मतलब एकदम से अंदर से क्यों हिला डाला ना। तो आप कहीं पे भी बैठ जाएंगे आगे टन्ना ना। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, देख मेरा मतलब बहुत ज्यादा दिमाग का मतलब फ्यूचर खुलने फ्यूज खुलने का। प्लीज जाइए यहाँ से। मैं जाने का नहीं, मतलब लौंडा लोग देखता क्या? ओ लौंडे इधर आने के, मेरे को हेल्प करने के। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं, आप मुझे जानते ना, मैं आपको जानती हूं। तो जान पहचान बढ़ाने तो मैं बैठा ना इधर, तो मैं आप मुझसे पूछ के बैठे यहाँ पे कि मैं बैठ जाऊँ? मैं जहाँ बैठता नहीं मतलब फाट पड़ता, मैं कुछ पूछता ना आस्ता ना जास्ता, मैं खाली ओनली फ्रेंडशिप बनाता, फिर गर्लफ्रेंड बनाता, टहलाता घुमाता, बहुत पैसा यही करते होंगे आप, देख के ही लगता है। मैं कसम खा के बोलता, मैं आज तक लड़की को मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनाया।
बहुत फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मतलब कि मतलब दिल विल लेके मैं मतलब बहुत खर्चा किया आज बाहर, तभी इसको ऐसे गले में टांग के घूमते हैं। अरे मतलब ये मेरा प्यार, मतलब मैं तो मतलब यहाँ चोर लोग बहुत बसता ना। हाँ, कि जहाँ भी लड़की देखी बस शुरू हो गए है ना। मैं खाली तुम्हारे पास शुरू होने का मतलब ये क्या, लोग लोग मुझको देखता क्या, कोई नहीं देखता, तो कैसा लगने का। मैं मेरे साथ डामर लौंडा कहीं देखा नहीं, देखा होगा, एकदम पागल लग रहे हैं। मैं पागल तुम्हारे प्यार में होने का, मेरा प्यार नहीं है आपसे, और मेरा तो है ना, मेरा दिल का अटैचमेंट तुम्हारे दिल से हुआ है, दिल से दिल तक। पहले तो खड़े होइए और कहीं और जाके बैठिए। इतना फील से बोलने का तो मैं खड़ा क्या, मैं लेटने को भी तैयार है, मैं इधर लेट पड़ेगा अभी ऐसे ही। बट मेरे को कोई फील नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे को फील आ रहा है, खुजली भी हो रहा है साथ में, पैर में खुजली होने का। तो जाके इलाज कराइए अपना। मैं इलाज नहीं कराता, मैं मतलब गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता तो बड़ा अच्छा लगता है। तो और कहीं जाके बनाइए, आपको यहीं पे आके बैठने को मिला है। आपका पाउडर बहुत स्मेल मारती है, मतलब ठीक है, इस बार चेंज करके आऊंगी, इस बार नहीं लगा, इस बार गोबर लगाने का। मैं क्यों लगाऊं गोबर? नहीं तो मतलब थोड़ा आप मतलब हमारी गर्लफ्रेंड नहीं होने तो गोबर लगाने का, हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत लगाऊं गोबर। मेरा गर्लफ्रेंड जो लोग होता है मतलब उनको बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब पाउडर सेंट बहुत बढ़िया बढ़िया चीज में देता है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को दीजिए ना। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ने का, गुस्सा नहीं होने का। मैं थोड़ा साउथ का थोड़ा बहुत छोटा मोटा म्यूजिशियन, मैं थोड़ा गाता बजाता, ठीक ठीक है, सुनाइए गा के फिर। मेरा गाना सुनेगा? बिल्कुल सुनाइए। सुनेगा मुंह से सुनेगा कि मतलब कान से सुनेगा? कहाँ से सुनेगा? आप मत सुनाइए और घर जाइए। नहीं नहीं, मैं सुनाएगा, मजा आया, मैं सुनाएगा, ठीक है सुनाइए। मेरा चश्मा बार बार पलट जाता, मैं आपको एक चश्मा गिफ्ट करता, आई लव यू। नहीं चाहिए आपका चश्मा, बहुत महंगा। नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। गाना गा के सुनाइए। गाना सुनना मतलब मैं सुनाता, कुछ आता भी है सिर्फ टपोरी बनाने वाला का। ओह मेरे को बहुत कुछ आता, मैं जो जो कर पाता कोई ना कर पाता, मैं सुनाता भी गाना, सुनाता मजबूत गाना सुनाता भी। आपको सुनाता बहुत बढ़िया सुनाता, मैं भी बहुत मजा आने का। बातें कम करिए और गाना, अपना कान वन का छेद बंद करने का भी, मतलब एकदम से फील करने का, आंख बंद करने का, बहुत बढ़िया फील होता है। कान बंद करने का सुनाइए अभी। आप कान बंद, आंख बंद करने का, मैं फील के साथ गाना गाएगा। सुनाएंगे अभी। आंख बंद करने का, आंख बंद करने का बहुत फील आता, आंख बंद। आजा जाता माँ। क्या कर रहे हैं आप, ये गाना गा रहे हैं, जाइए। मैं अपना गला खोलने का थोड़ा, मतलब गला मतलब वाइब्रेट मोड पे आता तो गाना बिल्कुल फचाफच बजाता है। ऐसे गाना गाता है कोई? फिर से फील करता, फिर आंख बंद करने का, फील करने का, फील करने का। अभी नहीं सुना मुझे। नहीं नहीं, फील करने का, इस बार अच्छा गाता। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते कहीं खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अभी और एक गाना गाने का, ऐसी पहले कभी हुई ना थी ख्वाहिशे ओ किसी से भी मिलने ही ना की थी कोशिशे ओ उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं आना चाहूँ मैं आना, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में हद को यूं पार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, मैं था गुलसा लिपटी तितली की तरह मुहादिन हूँ, एक पल में ठहरूं पल में उड़ जाऊं,
मैं ता हूँ पगडंडी लबदी ये जो राह जन्नत की एक पल न रहूं पल में उड़ जाऊं तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं वे की करा वे की करा राजन दे यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा हो बहुत अच्छा गाते हैं आप अच्छा लगने का बहुत अच्छा सच बोलने का बिल्कुल जी हमारी कसम आपसे इतना पागल क्यों बनाया आपने मैं मतलब थोड़ा मतलब क्या बताऊं मैं बहुत परेशान होने का इसको तो मैं बजा लेता पर लड़की वड़की मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता गाते अच्छा है बट गर्लफ्रेंड के लिए मैंने नहीं बोला है नहीं नहीं तो मतलब मेरे को मतलब थोड़ा प्रबल इच्छा मतलब ये गर्लफ्रेंड सर्लफ्रेंड बनाने का मतलब बहुत प्रबल इच्छा आप शादी कर लीजिए गर्लफ्रेंड मैं शादी क्यों करेगा मैं कसम खाया कि मैं शादी से पहले मैं कसम खाया कि मैं शादी से पहले 300 गर्लफ्रेंड बनाने का बिकॉज मुझको बहुत एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस होल्डर होने का तब मतलब मैं फिर किसी के साथ भी करने का शादी ये चीज है तो फिर आप कहीं और गर्लफ्रेंड जाके ढूंढिए कोई भी मिल जाएगी तो मेरे को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आता है आपको देख के मतलब आपको मतलब आपके अंदर वो बात कि आप गर्लफ्रेंड बन पाता ठीक है आप ये करिए यहाँ पे मैं जा रही हूँ अरे बात तो सुनने का बात अरे बैग पास जाने का भगवान भी चाहता कि आप यहीं रुके रहने का समझ रहे ना मतलब कितना मतलब भगवान कितना साथ देता मेरा ये प्रभु देने का गर्लफ्रेंड बना देने का बैग फंस गया आप तो आप नहीं जाने का हाँ बोलो तो मैं खोल के देगा आपको नया बैग देगा नहीं मैं खुद ले लूं ये प्रभु ये मान लेगा ना जल्दी बैग खोल लेगा नहीं भगवान नहीं गर्लफ्रेंड बनाने का तो क्या कोई कमी कोई समस्या आपको मेरा गर्लफ्रेंड बनने में बिल्कुल बैग तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप मेरा मतलब बात नहीं मानेगा नहीं करनी आपसे कोई बात मुझे तो बात मानने का ना आपको नहीं माननी अरे मान जाइए ना नहीं ना? नहीं मेरा बैग निकाल के दीजिए मैं जा रही हूँ निकल गया निकाल दे रहा ये निकल गया ठीक है आप मुझे जाना है नहीं जाना तो जाइएगा कोई दिक्कत नहीं छोड़ जाइए प्लीज मुझे जाने दीजिए मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी आप जाइए मैं आपको दिक्कत नहीं बैग में रख ले रहा हूँ ठीक है एक मिनट आप ये नॉर्मल कैसे बात कर रहे हैं अभी तो आप बोल रहे थे कि आप साउथ इंडियन हैं ओ हेलो ले लीजिए बताता हूँ फिर क्या हुआ तुमने अब जानी गई तो बता ही दूँ आपको मेरा छोटा सा यूट्यूब पे चैनल है तो मैं कोई साउथ का कुछ भी नहीं हूँ मतलब साउथ इंडियन नहीं हूँ मैं नॉर्मली आपकी तरह हूँ लखनऊ का ही हूँ तो छोटा सा यूट्यूब पे चैनल है तो उसके लिए मैं गाता बजाता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ म्यूजिकल प्रैंक वीडियो देखती हूँ अगर आप यूट्यूब तो उसमें आता है सजेशन में तो वही इस टाइम मैं आपके साथ वही प्रैंक कर रहा था तो मेरा कैमरा सामने लगा हुआ है ओ माय गॉड तो ये वीडियो यूट्यूब के लिए यूज़ कर लूँ मैं ठीक है आप कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं ना नहीं पक्का नहीं आपकी कसम हाँ भी नॉर्मल है मेरे को पता चल गया आप प्रैंक कर रहे हैं तो यूट्यूब के लिए डाले ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है रोज आते हैं इस उम्मीद पे कैमरा बंद कर क्या काट डालूंगा